sorry. You've been knowing your state of your life, professionally and personally, that this could never be the best party ever for you. I'm so sorry, I can't hear. So, do you think you are in that phase of your life, professionally and personally, that there can never be a better birthday than today? You know? Oh, better birthday. Yes, of course. I'm really, really happy and thankful to God and to the audience, to my fans, my well-wishers, to all of you, जो आपने इतना मुझे मेरी जर्नी में मेरा सपोर्ट दिया, मेरा साथ दिया और मैं यहाँ पे पहुँची हूँ. आई थिंक उसके पीछे आप सबका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज आप अकेले कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते. कुछ भी अचीव करने के लिए आपको लोगों का साथ चाहिए होता है, उनकी दुआएं चाहिए होती हैं. तो जब तक आप वो दुआएं लेंगे नहीं तो वो यू नो आपकी बरकत नहीं होगी. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई थिंक थैंक यू फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो सो स्पेशल एंड थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर मेकिंग माई सॉन्ग सच अ बिग हिट. खास करके जो लुक हैं, अलग अलग तरह के लुक हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव है. क्या डिस्कशन रहा आपका राधिका से या विनय से, और यू आर द वन हू डिसाइडेड कि ये लुक मुझे चाहिए? नहीं, एक्चुअली उनका विजुअलाइजेशन है, उनका कॉन्सेप्ट है याद पिया की आने लगी. तो उन्होंने पूरी स्टोरी डिज़ाइन की, राधिका जी ने, विनय जी ने, और उन्होंने पूरे लुक्स बनाए. उन्होंने बोला कि पहले यू नो वील प्रेजेंट यू एज अ कॉलेज गर्ल अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, तो यू हैव टू लुक लाइक 16-17. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज एज एन एक्टर जब आपको कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलता है तो ऑफकोर्स आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है अपने से हट कर, बिकॉज मैं बिल्कुल वैसी लड़की नहीं हूँ जो इसमें दिखी हूँ. सो आई वॉज प्लेइंग अ 16-year-old कॉलेज गर्ल. एंड अभी मैंने देखे इंस्टाग्राम पे भी लड़कियाँ जीन्स पहनकर, वाइट टॉप पहनकर, छोटी बनाकर, वो फ्रिंज बना के वो डांस कर रही हैं. तो इतने वो वीडियोस ट्रेंड हो रहे हैं, बच्चे वो सेम कपड़े पहनकर डांस कर रहे हैं, लड़कियाँ कर रही हैं. सो यू नो द सॉन्ग इज स्टार्टेड स्प्रेडिंग वायरली सो वेल. एंड सेकेंड लुक वॉज द लुक ऑफ द शादी में, जो वो शादी में ड्रामा करती है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें उसको दारू पीकर अंदर जाकर वो करना था. एंड द थर्ड लुक वॉज दैट ऑफ एन एक्ट्रेस, जिसमें वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है. एंड चौथी लुक वो है विच इज़ नॉट द सेम गर्ल, जो रोबोट है, वो एक उसको हेल्प की ज़रूरत है तो एक प्लैनेट पे कॉन्टैक्ट करता है. तो किसी एक प्लैनेट पे एक लड़की वैसी दिखती हुई एक उसको मिलती है, जिससे कि यू नो उसका कॉन्टैक्ट होता है, कनेक्शन होता है. डबल कांग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सक्सेस ऑफ द थिंग. हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. थैंक यू. हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट, लाइक याद किया कि आने लगे, लाइक हाउ वाज इट डिसाइडेड, लाइक व्हेन वाज इट डिसाइडेड कि ये गाना करना है? So you know, after Sanam Re, I was contemplating what to do, like should I direct, should I act, मैं क्या करूँ. तो direction की मुझे बहुत अच्छी अच्छी opportunities मिल रही थी, but मुझे ये अंदर से feel हुआ you know, I felt कि no, if I have to act, अगर मुझे acting करनी है तो I should do it now. तो I decided to act, and then of course I think nothing is easy ever, you know, that's what I feel. हर किसी की एक struggle होती है, क्योंकि मैं जाके कैसे industry में बोलूँ कि भाई मुझे acting करनी है, मुझे काम दो, क्योंकि मैं भूषण जी की wife हूँ. तो थोड़ा difficult था. मैंने एक short film की बुलबुल, जो कि जिसकी बहुत सराहना हुई. फिर निखिल जो है, निखिल अडवाणी, उन्होंने वो short film देखी, मिलाप ने देखी, मनीषा अडवाणी ने देखी, and they called me for Satyamev Jayate. And John was very, I'm very thankful and grateful to John that you know he was very very open in me you know playing a lead opposite him. So they all loved my work in Bulbul, jo ki ek short film thi, and they decided to cast me. Main क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, मैं किससे मिलूं, क्या करूं कैसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी खड़ी करूं. तो आई थिंक गॉड सेंड सम गुड पीपल योर वे. और फिर राधिका जी, विनय जी ने मुझे फ़ोन किया एंड दे सेड दैट वी आर हम ये गाना रिक्रिएट कर रहे हैं, तो वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो इट्स दे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑफिस एंड आई वेंट देयर. हमें तो ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कंट्री के, मतलब उनकी वाइफ को अगर एक्टिंग करनी हो तो भी वो एक स्ट्रगल होता है आपके लिए ऐसे? आई थिंक बिल्कुल होता है, बिकॉज सनम रे को रिलीज़ हुए 3 साल हो गए और तब से मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश में हूँ कि क्या करूँ. इन द मीन टाइम आई वॉज वर्किंग आउट ऑन माई डांस, मैं अपने डांस पे मेहनत कर रही थी और बाकी फिटनेस और वो सब पे कर रही थी, बट इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज यू नो इट्स आई थिंक इट्स हर जो काम आप करते हो, यू नो आई हैव नेवर डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड फॉर माई वर्क. जब मैंने पिक्चर भी बनाई यारियाँ, तो आई थिंक उन्होंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी थी यारियाँ की. वो रिलीज़ होके जब सुपर डुपर हिट हो गई, तब उनको कॉन्फिडेंस आया मेरे ऊपर कि मैं इतनी एक हिट डायरेक्टर का मेरे पे छाप लग गई. तो यू नो आप जो काम करते हो, लाइक ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ एवरीथिंग आई डू, बट द वर्क इज़ ऑलवेज सेपरेट. वट ही डज इज सेपरेट. आई डोंट इंटरफेयर
यू नो एंड दिस देयर शुड बी दैट स्पेसिंग, नहीं तो आप एक दूसरे के सर पे ही खड़े हो जाओगे. कितना ज्यादा एक्साइटेड है आप इस चीज को, क्योंकि जो मिलियंस ऑफ व्यूज आपको मिल रहे हैं और जितनी आपको सराहना मिल रही है और हनी हनी से आपको देखा था और आज याद किया कि आने लगे पर आप. So I'm very, you know, मैं बहुत thankful हूँ, but as such मुझे praise या अगर कोई बुराई भी करे या praise भी करे, you know, I don't really take it to my heart कि अरे इसने इतनी बुराई कर दी तो मैं तो बस ख़त्म हो गई या इतनी praise कर दी. I just keep thanking भगवान का शुक्रिया करती हूँ हर पल कि उन्होंने मेरी ये journey decide की, जो कि बहुत अच्छी journey रही, क्योंकि मैं जब industry में आई थी तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, direction, acting, I was just a न्यू कम अ गर्ल जिसको कुछ भी नहीं आता था, और इतने सालों में बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला है पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे. सो इट्स बीन अ वेरी डिफरेंट जर्नी, इट्स नॉट बीन अ रेगुलर जर्नी. सो आई एम थैंकफुल कि मैं ग्रो हुई हूँ एज अ क्रिएटिव पर्सन, बहुत कुछ मैंने सीखा है और यहाँ तक पहुँची हूँ आप सबके साथ के साथ. I'm so excited because मिला आपकी मरजावा इतनी बड़ी सुपर हिट हो गई है. सो आई एम सो एक्साइटेड दैट यू नो जॉन इज़ वेरी एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड बिकॉज एक बहुत अच्छी टीम साथ में आ गई. दिस बज फॉर मी द जॉन इज डूइंग सो वेल नाउ, बाटला हाउस में उनकी इतनी सराहना हुई और मिलाप की भी पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई, उनकी सत्यमेव जयते एंड मरजावा इतनी अच्छी गई. सो इट्स अ गुड टीम कमिंग टुगेदर. या सो एवरीवन आई थिंक जिम्मेदारी तो मैं हमेशा हर काम में करती हूँ, चाहे वो मेरा पर्सनल काम ही क्यों ना हो. ज़रूरी नहीं है कि वो मीडिया से रिलेटेड काम हो, मेरे घर का ही कुछ काम क्यों ना हो, तो मैं जिम्मेदारी के साथ ही करती हूँ. तो ऐसे सोचती नहीं हूँ कि ये जिम्मेदारी, मतलब मैं हर काम में अपनी जी जान पैशन लगा के करती हूँ. तो आई थिंक दैट्स द फेयर पर्सन आई एम. बहुत बहुत अच्छा एंड आई एम बोथ द बॉयज आर लुकिंग सो गुड. दोनों लड़के इतने अच्छे लग रहे हैं गाने में. सो पूरी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है और वो कॉलेज का सेटअप एंड एवरी थिंग. सो इट वॉज अ वेरी गुड एटमोसफेयर. डेफिनेटली आई थिंक फेजू इज सच अ बिग स्टार, सो इट वॉज वेरी नाइस हैविंग हिम ऑन बोर्ड. और उनका थोड़ा सा छोटा सा गेस्ट अपेरेंस था, बट इट इज़ वेरी स्वीट एंड हम्बल ऑफ हिम कि वो एक गेस्ट अपेरेंस के लिए भी आए और उन्होंने वो गेस्ट अपेरेंस हमारे पे. हम चाह रहे हैं कि भूषण जी भी कहीं पर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे, तो विल यू बी एबल टू कन्वेंस वी रियली वांट टू सी लाइक वी विल बी लुकिंग बिहाइंड एवरी बहुत अच्छा. और मुझे लगता है कि आप अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट महिला हैं जो सब कुछ बैलेंस करती हैं, घर अपना प्रोफेशन और आज यहाँ हैं. जब हम मैं यारिया की बात करूँ, यहाँ मैं याद किया आपने सब अपने बलबूते पे अपनी काबिलियत पे आती है. नो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक भूषण जी बहुत मीडिया शायद थे इनिशियली, मीडिया के सामने नहीं आते थे. और जब मेरी शादी हुई थी तब तो वो बिल्कुल मीडिया में उनका टी सीरीज़ के पीछे चेहरा कौन है ये लोग जानते ही नहीं थे. यू नो टी सीरीज़ को कौन चला रहा है, कौन हु इज़ द फेस ऑफ टी सीरीज़. इतने सालों में मैंने उनको पुश कर करके, कन्विंस कर करके इतना कर दिया कि वो मीडिया के सामने आए, इंटरव्यू दे और कम्फर्टेबली इंटरव्यू दे. छोटी वाला स्टेप है जो की बहुत फेमस हो रहा है. मैंने छोटी नहीं बनाई, बट आई कैन स्टिल डू इट इफ यू वॉन्ट. सो यू टेक द प्लैट इन योर हैंड, यू पुट इट अप एंड यू जस्ट आग लगा दे. Okay. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much.